हाय भाई, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है इन्फिनिक्स का फ़ोन, इन्फिनिक्स S5 है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है गाइस, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो चेक करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे चार्जिंग को जो है वो प्लग किया, लेकिन कोई भी कंजप्शन जो है वो आपको मीटर पे जो है वो देखने को नहीं मिल रहा होगा, कुछ भी रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ ना, तो आप देखोगे कि कोई भी वेरिएशन जो है आपको मीटर में देखने को नहीं मिल रहा है। इनडायरेक्टली ये है ना कि ये जो चार्जिंग पिन है वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही फ़ोन को। या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या तो सब बोर्ड का वोल्टेज जो है वो मदर बोर्ड तक नहीं जा पा रहा होगा। तो ये दो रीज़न होगा, तो इसके लिए जो है हमें फ़ोन को खोलना पड़ेगा। तो मैं फटाक से खोल के आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है ना एक जम्पर यहाँ पे निकला हुआ है। पिन तो अभी नया ही लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में। ये एक जम्पर निकला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पिन लगी हुई है। तो चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज़, इसका जो पिन है वो डैमेज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है वो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि इसका पिन जो है वो चेंज करेंगे। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो है वो पिन चेंज करके ही देखते हैं। तो गैस, यहाँ पे पेस्ट लगा लेना है हमें, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे निकालता हूँ। एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका ट्रैक भी जो है ना वो पूरा डैमेज है, ठीक है। तो पहले पिन निकाल के फिर चेक करते हैं। तो देखो, पूरा ट्रैक जो है वो डैमेज है, ठीक है, एक भी ट्रैक नहीं है। तो अब जो है वो ट्रैक को हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, फाइनली जो है फ़ोन देखो, चार्जिंग जो है वो कनेक्ट करने लगा, और यहाँ पे एम्पेयर आप देखोगे तो एम्पेयर भी जो है वो ले रहा है 1.6 एम्पेयर के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा मैं वेट करते हैं और चेक करते हैं चार्जिंग हो रहा है या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना मैंने वेट किया, थोड़ा टाइम बाद जो है ना इसका चार्जिंग जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इस फ़ोन में चार्जिंग की पिन की ही प्रॉब्लम थी, 1% से जो है वो 10% तक हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।